थाना सुरीर के गांव इरौली में पड़ोसी के घर गाय चली जाने पर पड़ोसी ने पड़ोसियों के साथ मारपीट कर दी। दोनों पक्षों में हुई मारपीट के दौरान लगभग दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के सभी घायलों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक पक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका पड़ोसी दबंग है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मारपीट करता रहता है। देर शाम को उसने अपनी गाय उसके घर में छोड़ दी। जब उन्होंने इस संबंध में उससे शिकायत की तो उसने दबंगई दिखाते हुए अपने परिवार के साथ उनके घर में घुसकर हमला बोल दिया। घर में बैठे थे हम लोग, इनकी गाय आ गई थी, हमारे सारे गेहूं को आधा कट्टा गेहूं को खा गई और आलुओं को खा गई थी। मेरी मम्मी कहने लगी कि दूध पी के छोड़ देते हैं, और वो इसकी बहू बोली कि तू रंडी राड कहाँ पे बोल रही है, मैं सोचती थी की बाला करती कह दूंगी। मैंने कही तुम्हारी गई है तो तुम्हें चेक कर रही तो तुम बांध ले। मम्मी तुमकी सुधी सी बोल रही है, आते ही समय रमाकांत और हरिओ मैंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लाए और माधुरी ने दे गाल है मेरे मारने लगी। और वो कपड़ी कोमल आई उसने मेरे बार पकड़ के पूरी धोती उतार दी, मेरे पूरा गांव तमाशा देख रहे, लेकिन किसी ने मुझे बचाया तक नहीं। सर दया में कितने लोग घायल हुए थे इसमें? उधर से तो कोई घायल, यहाँ 6 लोग घायल हुए हैं। जब पुलिस को सूचना दी आपने? हमने कुछ नहीं कहा, घर घर की बात है, कोई बात नहीं। इन लोगों ने फोन कर दिया 112 पे, वो वहाँ से गाड़ी आई, हमें कोई पूछताछ नहीं की और वो गाड़ी जो है उन्हें बिठा के ले गई और वहाँ पैसे जमा करके ये लोग वहाँ से आए दोबारा आकर के। और जैसे ही मेरे हस्बैंड घर में घुसे, गंगा जी ना की मेरी चाचा जी और हस्बैंड दोनों आते ही समय सरिया लेके मेरी लड़की बैठी बाहर, उसमें सरिया गई दो तीन, कही मम्मी मर गई मैं बाकी सब मेरे ऊपर मार दो, मेरी सास की इतनी हालत खराब है, उन्हें तो आगरा के लिए रेफर कर दिया गया सर। और मेरे हस्बैंड को मार के नीचे डाल के भाग गए सब लोग। पहले भी इनसे कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा सर? हमसे हमेशा विवाद रखते हैं, ये छोटी छोटी बातों को लेकर, बच्चे भी पड़ोसी हैं जस्ट सामने। वहीं दूसरे पक्ष के राजकुमार ने भी कुछ इसी तरह से अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया। उसने कहा कि पड़ोसी गोविंद आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ा करता रहता है। कल अचानक उनके चबूतरे पर हमारी गाय चली गई थी, इसी बात को लेकर उसने अपने परिवार के साथ आकर उसके घर पर हमला बोल दिया, जिसमें उसके परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या मामला हो गया था? मेरी गाय पड़ोस में चली गई थी, मेरी वाइफ है तो वो उसको रोकने के लिए गई, पकड़ने के लिए गई, तो जो दूसरा पक्ष है उसने गाय को ना आने देते मेरी वाइफ के साथ मारपीट की कि तुम्हारी गाय हमारे घर में कैसे आई। और फिर हमारा बच्चा गया तो अर्पित है हमारे बच्चे का नाम, तो उसको भी इन्होंने मारपीट की। तो कितने लोग घायल हुए तुम्हारे? हमारे 7 लोग घायल हैं सर। अच्छा, पुलिस से शिकायत करी? हाँ जी, हम थाने ही गए थे। तो यहाँ भर्ती पुलिस ने कराया? हाँ जी, पुलिस ने करवाया। तो हम थाने गए थे, तो जब तक हम थाने से लौटे ही थे तो उनने गाली गलौज दी हमारे घर पे, गाली गलौज दी। फिर हम आगे हमने कही गए कि भैया हमारे घर पे तुम गाली गलौज क्यों दे रहे हो? तो फिर उन्होंने अपने एक उनका भांजा था उसने डंडे से प्रहार किए पहले, सबसे पहले हम तो निहत्ते कुछ डंडे भी नहीं ले गए थे, उनके पास सब व्यवस्था थी तो हमको पहले चौटेल किया। अच्छा, पहले भी तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ है उनसे? नहीं, पहले एक बार हुआ था खरंजे की वजह से। अच्छा, पहले हो चुका है विवाद कभी? पहले हो गया था।